और आज मंगलवार विशेष रूप से बागेश्वर बालाजी के दर्शन कर सकते हो। ठीक है, दर्शन करो और जल्दी जल्दी हाथ जोड़ो, कमेंट बॉक्स से कमेंट करो। सरोज जी, जी सरोज जी यादव फिर से जुड़ गए हैं, धन्यवाद भैया आपका। फिर से मंगलवार के आपको दर्शन करा रहा हूँ। ये मंदिर के पास में एक बाबा जो गांव के ही हैं, झाड़ा लगाते हैं। अगर किसी प्रकार का दर्द हो रहा है, क्या कुछ भी परेशानी है, तो यहाँ पर झाड़ा लगाते हैं। और आप दक्षिणा देना चाहो तो दे सकते हैं, ना तो कोई बात नहीं है, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी बाबा यहाँ पर मंदिर के पास में झाड़ा लगाते हैं, ये दे सकते हैं। और ये मंदिर है बागेश्वर बालाजी का। अभी भीड़ कम है क्योंकि आरती का टाइम होता है, आरती के टाइम ही लोग आएंगे सबसे ज़्यादा। और 7:30 बजे आरती होती है, 7 बजे के बाद ही आरती होती है बागेश्वर बालाजी की। तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, अभी कमेंट नहीं पढ़ पाऊँगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। सरोज कुमारी यादव धन्यवाद आपका, वीडियो को शेयर करो जल्दी जल्दी। और मैं आपको परिक्रमा मार्ग के भी दर्शन करा देता हूँ। परिक्रमा मार्ग फिर से चालू हो गया है और काफ़ी सारी जनता बागेश्वर धाम सरकार की। अंधेरा हो जाएगा जल्दी जल्दी, वीडियो शेयर करोगे तो नहीं हो पाएगा। अंधेरा होने से पहले आप बागेश्वर बालाजी दर्शन कर लो और परिक्रमा मार्ग के दर्शन कर लो। और यहाँ पर देख सकते हैं ये अन्नपूर्णा पुरानी वाली, और यहाँ पर झाड़ा लगवा रहे हैं बाबा। देखो प्रेत बाधा को, तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करो। गुरुदेव का दिव्य दरबार लगा था नए वाले दिव्य दरबार में, जहाँ अन्नपूर्णा का भंडारा चलता है उसी के सामने नया जो स्थापना हुई है, और बागेश्वर बालाजी के वहीं पर दिव्य दरबार लगा था।